हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आए एक रेसिपी को लेकर जो बहुत ही नॉर्मल रेसिपी है, पर जो बनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 300 ग्राम फ्लैट बीन्स का लिया है। बीन्स फ्रेश लें, एक कटा हुआ प्याज, एक स्लाइस में कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च को काटा है। एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल लिया है, हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे एक तेज़पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से चटकने दें। जैसे ये चटकता है अब हम इसमें बीन्स को डाल देंगे। बीन्स को स्लो फ्राई करना है तेल में, गैस का फ्लेम फुल रखें। इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से फ्राई करें। साथ में हम अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो और बीन्स का कलर चेंज होता है हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तब तक इसको इसी तरह से स्टर करते रहना है। ध्यान रखें गैस का फ्लेम फुल रखें। तो कलर चेंज हुआ है, अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसको डाल करके इसको अच्छे से स्टर करेंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा कम करें, मीडियम टू लो रखें। इसको इसी तरह से स्टर करते रहें थोड़ी देर तक, जब तक कि मसाले पक ना जाए। अब हम इसको ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसलिए हमने फ्राई भी नहीं करना है, इसलिए बाद में डाला है। साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर स्लाइस किए हुए। टमाटर को स्लाइस में डालें, बहुत जल्दी गल जाते हैं। हम इसको 2 से 3 मिनट ढक देंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे 2 से 3 मिनट में सब्जी 50 से 60% पक चुकी है। साथ ही हमने इसमें हरी मिर्च कटा हुआ डाला है। आप चाहे तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं। हम फिर से इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट ढकने के बाद हमारा सब्जी अब लगभग बन चुका है। हम थोड़ा सा अब इसमें पानी ऐड करेंगे, स्टर करके पानी ऐड करेंगे, उससे मसाले अंदर तक चले जाएंगे इसके। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, हाई ना करें। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 50 से 60 ml करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। फिर से हम इसको 3 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रहे कम रखना है। तो देखिए हमारी सब्जी अभी फुल कलर चेंज हो चुका है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप घर पर बनाने की ज़रूर कोशिश करें, बहुत ही टेस्टी बनती है, फटाफट बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और हरे धनिया से गार्निश करेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारे बीन्स की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत आसानी से बहुत ही टेस्टी बनती है, आप लोग घर पर ये रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।